चांद साहब आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि जो पूरी तस्वीर बनी है, जैसा कि आपने कहा कि भूगर्भीय बदलाव दिख भी रहे हैं, रिपोर्ट्स पहले बनती भी रही हैं, भेजी भी जाती रही हैं, अब सभी के मन में जो सबसे बुनियादी सवाल है ये कि जो भी एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या इससे इस धसाव को रोका जा सकता है या फिर जो हो रहा है वो होकर रहेगा? देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट पिक्चर आ जाएगा जब हम लोग सब जियोफिजिकल स्टडी से, सब सरफेस इमेजिंग से सरफेस प्रोसेस को लिंक करके एक रिपोर्ट दे देंगे। अभी स्थितियाँ जैसे है, इसको एक स्टेबल होगा, किस तरह से कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, इसका बारे में कहना साइंटिफिक डेटा, बिना कंप्लीट साइंटिफिक डेटा अभी जिस तरह से ज़रूरत है, अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके बाद हम लोग और डिटेल रिपोर्ट के साथ बता पाऊंगा। बट सिचुएशन गंभीर है, संकट है, जिस तरह सा यहाँ पर PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुआ है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, बारिश आने का संभावना है, बारिश हो भी रहा है, फिर हमारा अर्थक्वेक आने आ भी सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बट हम लोग इस तरह से अभी बहुत जल्दी, बिना साइंटिफिक एविडेंस, बिना साइंटिफिक डेटा के साथ आपने जो सवाल कर रहे हैं, इसके अनुसार हम लोग कुछ महीने में जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा हम दे पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो कह सकते हैं ना कि चाहे हम 76 की रिपोर्ट की बात करें या आपके जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट क्या या फिर आपके जो वैज्ञानिक अनुसंधान थे उनको और गंभीरता से लिया जाता, उस पर अगर अलर्ट सब बने रहते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं बनती, कम से कम इस आपदा से बचा जा सकता था। ये तो सही है, एंड बहुत पहले का रिपोर्ट, अभी हमारा साथ जुड़े हुए हैं साहब भी बता रहे हैं, 1976 मित्र कमेटी रिपोर्ट, उसके बाद 2006 का भी एक रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट में अभी जो चित्र हम लोग देख रहे हैं इसका बारे में स्पष्ट से लिखा था, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में और गलतियां हुआ है, एंड उसके नतीजा अभी तो हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, नतीजे देख रहे हैं। और JP Methani जी, लेकिन अब ये सवाल ये भी उठेगा कि जो गलती हो गई वो कितनी उसको उसका सर्वाइवल बनाया जा सकेगा, कितना शहर बच सकेगा वो अलग बात है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये स्थिति बन सकती है और उसको बचा लिया जाए वक्त रहते। जैसे कर्णप्रयाग से कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां दरार आ रही है, टिहरी से भी कुछ शिकायतें आ रही हैं, तो अब उन क्षेत्रों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि जो बच सके वो बचा लिया जाए कम से कम। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जोशीमठ घटना के बाद राष्ट्रीय मीडिया ने कर्णप्रयाग की आपदा, कर्णप्रयाग में 50 मकानों पे जो दरारें बड़ी हैं उस मुद्दे को उठाया, वरना कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोग तो काफी समय से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी मीडिया का हिस्सा नहीं बना, मीडिया ने इसको कभी उठाया ही नहीं, और लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो विकास के नाम पर, टनलिंग के नाम पर, रेलवे लाइन, ऑल वेदर रोड, 8 लाइन की सड़क, NTPC की टनल, मारवाड़ी से अणमठ तक का बाईपास, मतलब आप कितना ज़्यादा इस संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को कितना डिस्टर्ब करेंगे, जबकि आपको पता है जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली कि जोशीमठ की घटना हमारे लिए एक सबक है। बिल्कुल सबक है। के ही बारे में मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो गोरसों ओली से नीचे का जो हिस्सा है और सुनील के बाद मनोहर वार्ड और हेलीपैड वाला हिस्सा और शंकराचार्य जी की जो कल्प वृक्ष वाला जो हिस्सा है, वो बीच का जो टाउन है उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस है, उसमें ज्यादा सिंकिंग हो रही है, और ये बात नीचे JP Industries के हाइड्रो पावर की कॉलोनी तक जाती है। इस पर डॉक्टर जाजी से प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं, लेकिन विनोद आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि चाहे हम JP Methani जी की बात करें चाहे डॉक्टर कालाचांद जी की बात करें, दोनों लोग कह रहे हैं कि जो हुआ उसमें सतर्क रहते तो चीजों को बचाया जा सकता था, खैर अब जो हुआ सो हुआ, अब गंभीरता दिख रही या नहीं, जब ये रिपोर्ट्स बनेंगी तो कोई मानेगा या कुछ दिन में भूल के फिर वही टनल बनाएंगे, फिर वही रोड बनाएंगे, कुछ सुधार दिख रहा है?
बिल्कुल देखिए अवधेश, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभी हालात सामान्य हो। जोशीमठ में बिल्कुल हालात अभी भी बद से बदतर है, और सबसे अगर बाधा बन रहा है तो मौसम की बेरुखी है। अभी लगातार मौसम यहाँ पर ख़राब बना हुआ है, और आप देख पा रहे हैं कि चाहे तमाम जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर विस्थापित तो ज़रूर किया गया है, लेकिन ठंड का मौसम है, ठंड काफ़ी बड़ी हुई है। बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएँ हैं, बूढ़े हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ठिकानों पर उनको रोका गया है। हालाँकि थोड़ी देर पहले जिला अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना से हमारी बात हुई, और जो क्रैक्स के बारे में उन्होंने बताया कि क्रैक्स का कहीं ना कहीं रुकने की बात उन्होंने स्वीकार की है, कि जो दरारें बीच यानी 4 से 5 दिनों के बीच में वो बढ़ी थी उनका वो रुकी है, लेकिन स्थिति बिल्कुल अभी सामान्य नहीं है क्योंकि मौसम भी यहाँ पर बारिश का बना हुआ है, और क्योंकि दोनों होटल को तोड़ने का जो सिलसिलेवार जो डिसमेंटल का काम किया जा रहा है वो कल सुबह ही शुरू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से अभी बारिश और तमाम जो मौसम की मार है वो एक बाधा बनी हुई है। और हम आपको मौसम की भी हालात दिखाएं, क्योंकि अभी इस पूरे क्षेत्र में बादल आ चुके हैं और कुछ ही ऐसा बताया जा रहा है कि कभी भी बर्फबारी या बारिश हो सकती है, तो आने वाले कुछ घंटों में लोगों के सामने मौसम भी बड़ी मार बन सकता है, बाधा बन सकता है। लेकिन जिस तरीके के हालात है, लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है साफ तौर पर कि अगर ये स्थिति इस स्थिति पर सरकार पहले ध्यान देती तो इतनी बड़ी स्थिति उनके सामने इस बार नहीं होती। और बड़े बड़े जिस तरह से क्रैक्स आए हैं वो चिंता का विषय ज़रूर है अवधेश, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रैक्स का रुकना बंद हो गया हो। अभी 4 से 5 दिनों के बीच में जो दरारें बढ़ी थी उनकी ज़रूर एक अच्छी रिपोर्ट ये है कि उनमें कमी आई है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि जो दोनों होटल को हल तोड़ने का कार्य जारी है, लेकिन उसके जो नीचे की तरफ जो लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। नगर पालिका हो, होटल्स हो, धर्मशाला हो, या तमाम ऐसे स्थानों पर उनको रखा गया है, लेकिन ठंड के मौसम में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वृद्ध महिला हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ठंड में रात गुजार रहे हैं, और लेकिन दिक्कतें ज़रूर हैं क्योंकि साफ तौर पर अपने घर का अलग ही अनुभव होता है, अलग ही अपने घर में रुकने का अलग होता है, लेकिन जब सभी चीज़ें PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।